शांति, ओम शांति, ओम शांति। लेकिन ईश्वर ने कैसे श्रेष्ठ कर्म रूपी कलम हमारे हाथ में दी, बीते हुए कल पे हमारा अधिकार नहीं है, आने वाले भविष्य को आप बना सकते हो, वर्तमान में इतनी शक्ति है, बीते हुए कल के भारी पलड़े को भी वर्तमान के श्रेष्ठ कर्मों के बल से उस भारी पलड़े को भी आप हल्का कर सकते हो, उस वर्तमान के कर्म का फल आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। तो वर्तमान की स्मृति देकर वर्तमान को सफल करने का तरीका बताया। वर्तमान आज जो हमारे पास है, तो हम जैसे हमारे पूर्व प्राता रामनाथ जी ने कहा, जितना अच्छा सोच सकते हो, जितना अच्छा देख सकते हो, जितना अच्छे से अच्छा बोल सकते हो, जितना अच्छे से अच्छा कर सकते हो, वर्तमान की ये आपकी शक्तियाँ, जितना इन शक्तियों का सही सदुपयोग करेंगे, आने वाले कल के बारे में चिंता करने की जरूरत है। भविष्य का आधार, भविष्य हमारे चिंता से नहीं, क्योंकि अक्सर हमारे पास जो आने वाले कुछ युवा पीढ़ी कहते हैं हमें भविष्य की चिंता, भविष्य की चिंता से भविष्य नहीं बनेगा, वर्तमान का सही यूटिलाइजेशन, वर्तमान का सही यूज करने से हमारा भविष्य बनेगा। वर्तमान को प्रेजेंट, प्रेजेंट कहा गया इंग्लिश में, प्रेजेंट मीन, प्रेजेंट मीन एज ए गिफ्ट, वो प्रेजेंट के रूप में हमें मिला हुआ है। पास्ट मीन हिंदी में उसको भूत कहा गया, पास्ट बीत गया, जिसपे आपका कोई अधिकार नहीं। प्रेजेंट जो आपको प्रेजेंट के रूप में मिला हुआ है, ऐसे 24 ब्लैंक चेक्स आपको मिलेंगे। रोज सवेरे उठते ही ईश्वर ने हम सबको 24 ब्लैंक चेक्स दे रहे हैं। उस ब्लैंक चेक्स को हम जितना अच्छा सोच करके भरेंगे, उतना मेरा वर्तमान भी सफल, उतना मेरा भविष्य भी उज्ज्वल बन जाएगा।